ना वो अगर हमारे तो वार्डन है, वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ कर ले जाएंगे। पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्र पिछले चार दिन से सड़कों पर हैं। वो लगातार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने वीसी पर आरोप लगाया है कि कुलपति जयशंकर सिंह ने गर्ल्स हॉस्टल के दौरे के दौरान लड़कियों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। आपको बताएं, तब से ही छात्र उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब छात्रों के मुताबिक वाइस चांसलर बिना किसी इत्तला गर्ल्स हॉस्टल के निरीक्षण करने पहुंचे और लड़कियों के कमरे को चेक किया। इसके साथ ही लड़कियों का ये भी कहना है कि वीसी ने उनके कपड़ों पर भी कमेंट किया है, जिसके बाद छात्रों में गुस्सा भर गया। अब वो इसको लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद किया हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन और इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसे शर्मनाक बताया है और वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं स्टूडेंट हूँ एंड अभी कल शाम से हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, बिकॉज जो वीसी हैं हमारे वो बिना बताए बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके। एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कपड़ों पे बोला, अब कोई अपने घर में जो पहनना चाहे पहनेगा, अब हम कल को आपके घर आएंगे तो हमारे पास हक थोड़ी बनता है बताने का कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं। वहीं वाइस चांसलर जयशंकर सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि हमारी 60 साल की उम्र हो गई है, वो बच्चियां हमारी तीसरी पीढ़ी की उम्र की हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वाइस चांसलर का कहना है कि हम लड़कियों और सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही कमरों का दौरा करने गए थे और ये किसी अपराध में नहीं आता। इसके साथ साथ उन्होंने माफी मांगने वाली बात पर कहा कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम कभी गर्ल के हॉस्टल में गए नहीं गए। हमारे छोटे बच्चे की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में दो बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी अलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और अलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम थी, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद लेके गई थी, खुद हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज्यादा, हमारे थर्ड पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं, ये हमारे तीसरी पीढ़ी। अगर कोई टीचर महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चियों के साथ जो आरोप लगाया है ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं, ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। और मैं चीफ वार्डन सिक्योरिटी गार्ड और महिला जो गर्ल्स लड़कियां उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ, और सब लड़कियां साथ ही पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड था और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी कमरों में गए और या कोई अपराध रहे। छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाली पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल का कहना है कि उन्होंने मुझे अपनी सारी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने मुझे अपनी आपत्तियों के साथ साथ उन सुविधाओं के बारे में भी बताया है जो वो चाहते हैं। उन्होंने फीस से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया है। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली ने कहा कि मैंने वीसी से भी बात की है, मैंने महिला संकाय के कुछ सदस्यों को भी सुना है और इस बात पर सहमति बनी है कि छात्र अपने प्रतिनिधि और एक समिति का चयन करेंगे जो उनकी पसंद से ही होगा।
उन्होंने मैंने जो भी उन्होंने इशू से प्रॉब्लम उन्होंने मैंने दसिया ने सारिया प्रॉब्लम कि जो जो उन्होंने किसी चीज की ऑब्जेक्शन या उन्होंने कोई चीज चाहते ने कि फैसिलिटी उन्होंने मिलनी चाहे उन्होंने भी दसिया ने कुछ फीसिस की भी प्रॉब्लम से उन्होंने बारे भी दसिया उन्होंने उन्होंने सुनने तो बाद मैं उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि जो उन्होंने प्रॉब्लम ने सारिया एड्रेस हो गए बाद मैं वीसी साहब न गल की है उन्होंने भी कहना उन्होंने भी सुनिया तर्क भी की कहते हैं इसके बारे कुछ फीमेल फैकल्टीज है ने उन्होंने भी सुनिया सारा कुछ हूं असि इस कंसेंसस से पहुंचे कि स्टूडेंट्स जड़े ने वो अपने रिप्रजेंटेटिव चुनने और इधरों जो भी कहे कि साढ़े फैकल्टी मैंबर ए होने चाहिए ने अंदर या कोई बाहर का मैंबर उसे पैना चाहिए या साढ़े प्रशासन की तरफ तो मैंबर उन्होंने पैना चाहिए वह कमेटी बनेगी और मैं स्टूडेंट्स पूछा कि जे तुम मेरी जरूरत है वह कहते उन्होंने मेरी जरूरत है बहुत जो कहे तो मैं जरूर दोबारा फिर आवागी उन्होंने रिप्रजेंट करा क्योंकि मेरा काम ही है कि गर्ल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे लई ठीक है। मैम पहला ये मुद्दे नु तुसी किस तरीके नाल देख रहे हो तुसी सारा काफी दिन हो गया एनालाइज किया सारा मसला किस तरीके नाल देख रहे हो गलती की नहीं मानते हो सब नहीं मैं इस टाइम ते उते ए हैगा कि दोवां धिरां नु सुनिया आ ठीक है हुण जदों कमेटी बनेगी स्टूडेंट्स दे रिप्रेजेंटेटिव्स नु भी अग्गे पावांगे उस तों बाद असीं डिसाइड कर सकदे हां कि वाकई कौन गलत है कौन सही है। आपको बताएं कि विवाद बढ़ने के बाद सोमवार को ही यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है लेकिन छात्र परिसर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक वीसी इस्तीफा नहीं दे देते उनको हटा नहीं दिया जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। अब वीसी माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं लेकिन छात्र इसी मांग पर अड़े हैं कि वीसी को माफी मांगनी चाहिए। देखते हैं ये प्रदर्शन कितना लंबा चलता है, इसका सलूशन किस तरीके से निकल पाएगा।